हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है जी? सब उम्मीद करें तो सारे ठीक ठाक हो गए, अल्लाह पाक दी रहमत फजलो करम नसीब। बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। पता नहीं क्यों मैं पहले व्लॉग एंड कर लिया था इतनी जल्दी, मैंने खुद नू समझ नहीं आई। तो वही यकदम मैं जाके देखा तो मैं उन्हें एंडिंग कर चुकी सी व्लॉग दी, तो हूँ मैं दोबारा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दूसरा। तो ये मैं बर्तन सारे वॉश करके इतने रख दिते हैं, देख सकते हो। ये वो बर्तन है जिहड़े भी बहुत कम यूज़ होंदे ने, यानी कि जिवें हुण होस्टल गया हुआ सी भाई को, खाना छाना पा के देंदे सी, कुछ वापस आ जाते सी, कुछ उत्थे पै रह जाता सी, फिर कल जो असं आए तो असं वापस लैके आए हैं। तो अगर जो भी करा तेरे ना शेयर करा, प्लीज़ मेरे चैनल लाइक शेयर तो सबसक्राइब लाजमी करा करो। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है सब? तो उम्मीद करें तो सारे ठीक ठाक हो गए। सुबह दे 9 बज चुके ने, लेकिन आज मौसम बड़ा ठंडा ठंडा है। देखो सकते हो, धुप भी बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी है। देखो इधरों भी पता लग रहा है, 9 बजे तो टाइम इतनी तेज़ धुप होनी है ना, जिन्हें कोई हाल दी। देखो बून दे कपड़े शपड़े भी इतने पे ने, इधर नाश्ते की तैयारी हो रही, क्योंकि अज मैं रात सुकून ना सोई सी, इसलिए मैं रिलैक्स होकर सुबह 9 बजे उठी। यह जो आटे वाला गट्टू अजन टेंकी च पाने लैके जाने, टेंकी को ऐसे तरह ही खिंचते हुए। देखो जिस टेंकी के कोल पहुंचे हैं, तो देखो टेंकी में उस दिन वॉश करके रखी थी, उस दिन तो बाद आटा नहीं पाया। आ जाते हैं नीचे वाले कवर, यानी कि जो आप पैरों ने थले दिते हैं, इन्होंने बीच ना कीड़िया दवाई पा के रखी। देख सकते हो, तुम मतलब दिखा सकन इन्होंने हाथ चेंज भी करने रख देंगे। ये जो खाली रिबन नीर वाली बोतल होंगे ना, उन्होंने पा के रखने। चलो जी फिलहाल आटा इंसर्ट करने, फिर मिल जाएंगे। अच्छा जी, आटा टैंकी के बीच मैं पा दिता है, तो यह देख सकते हो कि इस दफा असं आटा थोड़ा पिसवाया से, क्योंकि अब कहते हैं थोड़ा पिसवाया करो ताकि रोज़ ही रोज़ ना पिसवा लिया जाए। सारे बर्तन धुले हुए हैं, बस इन्होंने कढ़ के नाश्ता बनाया, नाश्ते जगह भी मैं सैट कर दी। बस फिलहाल नाश्ता बनाने, तो फिर अगर दिन भर जो भी करा तेरे ना शेयर करांगी। अच्छा जी, मैं गई से खा लो मैंने नाश्ता वगैरह छड़ के बनाना। मैं क्या उन्होंने मझ का पूछ के आवं, जिमें थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें उन्होंने मझ भी दिखाई है विलाग के नवी लैके आए ने चाचू, कल तो मिली नहीं सी क्योंकि दूरों आए तो डरी सहमी खड़ी है। अज उन्हें माशाल्लाह 3 तो 4 किलो दूध दिता है, खाला ने 1 किलो दूध मैनू दिता है, क्योंकि साढ़े रिवाज है कि जानवर कोई भी नवा लैके आया जाए तो अपने इस तरह देते दे हैं, तो किलो होवे 2 किलो हो जितना भी होवे भी पहले बार सारे अपने अपने करीबी घरों में देते हैं दुध। तो क्योंकि असी अबू वड्डा भाई है, तो पहले बार उन्होंने साढ़े तो शुरू किया, सानू भी 1 किलो दुध दिता है। तो ये चाह भी अब बना के देखेंगे, क्योंकि नवी मझ आई है, तो दुध की चाह बना के देखेंगे किस तरह का बनता है। फिलहाल मैं बनानी है जी नाश्ता, जरा मैं किसले तक कही जाने, किसले तक कही जा रही हूँ, फाइनली मैं नाश्ता बनाने लगी। अच्छा जी, नाश्ता बन के तैयार हो गया। ऐ जी मज़े मज़े की चाह नाल ए वाले बिस्किट अज मैं लेके आई। अच्छा, लोग साग खाते ने मक्की की रोटी ना, तो असी खाने जी सादी परौठे ना साग, कमाल नहीं साड़ा, हल्दी हुई भी साड़ी तो। अच्छा जी, सफाइया वगैरह सारिया कंप्लीट हो गई ने, वेख सकते हो किचन भी साफ हो गया। बस ए वाला जो परात के आटा पे मेरी रोटी का पे, तो मैं बस रोटी पका थोड़ी देर तक खानी है। तो अब कुछ मूंगफलियाँ वगैरह लैके आए, पता नहीं क्यों वजह समझ नहीं। अच्छा जी, अब चावल लैके आए सन कल, तो देख सकते हो इन्हें वांडी बहुत ज़्यादा है। देखो पता नहीं ये छंडने पैणगे या साफ करने पैणगे, कुछ अबू दिखाने वास्ते लाए सन, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा शौक ना खाते ने ना चावल, तो हफ्ते 3 से 4 दफा बनते हैं, फिर रोजाना नहीं लेने पैंदे, इसलिए असं भी 5 किलो एको दफा ले लेने। लेकिन इस दफा अबू तकरीबन, अबू चावल किन्ने होने ने, 2 या 3 किलो होने ने, है 2 या 3 किलो होने। अबू कहते पता नहीं, लेकिन मैं लगता 2 किलो होने ने चावल, कल बिल्कुल ताज़े सी, उस टाइम में कढ़ा के लैके आते, इसलिए अबू कहते इन्हें थोड़ी देर धुप्पे सुकने ला दो। तो धुप माशाल्लाह हूँ अच्छी खासी निकली खड़ी, तुम मैं दिखावा सूरज कितने कितने कितने, देख सकते हो नज़र आया है ना, तो मैं तो सुकने पा छे। तो चलो जी, तुम मज़ खा के लिया के आने।
ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੱਝ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਖਾਲਾ ਰਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਲਾਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਭੈਂਸ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਛਾਰਾ ਡਾਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਮਰਦ ਹੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਾ ਕੱਟਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਸੋਨੂ ਸੋਨੂ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਭੈਂਸ ਚਾਚੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ, 7-8 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਬੇਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਰੀਥ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਾਚੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2:35 ਦੀ, ਹਾਂ ਬਾਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਚਾਚੂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਂਸਾਂ ਨੇ, ਸੋਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਖਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਲਏ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਹਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਵਲੌਗ ਭੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮੂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਸ਼ਾਦ ਸ਼ੇਪ ਵਗੈਰਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਿਊਜ਼ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ, ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।